साइन थीटा वाला। अच्छा, आईबीएम हम साइन थीटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किया था सर हमने। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किया था, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। ओके फोर्स ऑन या फोर्स ऑन आ मत लिखो, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ये दो करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक बेटा, दोनों में करंट। अच्छा, मेरे आज की क्लास में और पहले क्लासेस में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, आप एक ही डिवाइस से आए हो? यस। हाँ, एक्चुअली मैं मेरे मेरे लैपटॉप का ऑडियो पहले खराब था। ओके सर, तो फोन ऑडियो से ज्वाइन किया सर? और फोन और मैं फोन से ज्वाइन करता था पहले ऑडियो के लिए, और लैपटॉप से वीडियो के, मतलब वीडियो इन सेंस की स्क्रीन शेयरिंग के लिए। यस सर। हाँ, और अब मैंने फोन का ऑडियो ठीक करवाने की बजाय लैपटॉप ही खरीद लिया। ओके सर। हाँ, इसलिए अब एक ही डिवाइस से उसमें ऑडियो और स्क्रीन शेयरिंग दोनों, हाँ ओके। और मेरे ख्याल से वॉइस क्लैरिटी भी ज्यादा अच्छी होगी और स्क्रीन क्लैरिटी भी। सो फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ओके, तो दो करंट कैरिंग वायर है, लेट अस सपोज दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, दोनों में करंट आई वन एंड आई टू। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फर्स्ट, मान लो लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज द सेकंड वायर, दिस इज वायर वन, दिस इज वायर टू। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि वायर वन भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वायर टू भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वायर वन अपना जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो फोर्स लगाएगा वायर टू पे, क्योंकि वायर टू एक करंट कैरिंग एलिमेंट के जैसा या करंट कैरिंग कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन। और जब वायर टू अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उस फील्ड में वायर वन एक करंट कैरिंग कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर टू। आया समझ? वायर नो सर, क्या कहा सर? वायर टू की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इन दैट केस वायर वन विल एक्ट लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर टू। तो इन दैट केस वायर टू ऑफ वन पे फोर्स लगाएगा, यानी कि वन भी टू पे लगाएगा, टू भी वन पे लगाएगा। मैं लिख देता हूँ, The second wire जिसमें करंट I2 है, हाँ ठीक है, मेरा पेन कहाँ चला गया?
Where is my pen? Shift report क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आ तो गया. Okay, ठीक है. हाँ तो सेकेंड वायर I2 जिसमें करंट I2 है इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1 वायर वन वायर वन कैरिंग यस ठीक सो दैट वायर टू वायर टू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन वायर वन वायर टू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स सिंपल वायर वन क्या फिर हाँ ड्यू नहीं बस इतना ही ठीक है yes, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा एफ इज इक्वल टू आई आई बी एल साइन थीटा साइन साइन बोलो एंगल बोलो साइन थीटा एंगल बोलो ना इन दोनों के बीच में से तुमको फिर पिटूंगा मैं वायर वन की में करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी इनवर्ड नहीं बनेगी वायर टू के अराउंड यस सर ये मैं लिख रहा हूँ बी वन यस वन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन वन यस सर तो फिर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हाँ कैसी होगी फील्ड की कैसी होगी इनवर्ड होगी यस आई की इनवर्ड इनवर्टेंस ड्यू टू वन है ना यस सर हाँ तो एंगल कितना होगा साइन 90 डिग्री देखो करंट I2 ऊपर की तरफ है करंट I2 कंडक्टर कौन सा यहाँ पे वायर वन बन गया मेन कंडक्टर जिसके वजह से फील्ड है और वायर टू बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके जिसके ऊपर फोर्स निकालनी है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट I2 ऊपर की तरफ है फील्ड अंदर की तरफ है तो एंगल 90 डिग्री तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वायर टू ड्यू टू वन एफ टू वन मीन्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन यस सर इक्वल टू आई कौन सा यहाँ पे आई कौन सा लेंगे आई टू आई टू पे हाँ जो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट है वो करंट लेते हैं हम लोग वो करंट लेते हैं यहाँ पे फोर्स वाले केस में आई टू और मैग्नेटिक फील्ड किसका I1 का I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अगर वो मैंने B बोला है तो B ले लो यहाँ पे B1 मतलब B लो तो B into length of the conductor किसका I2 का I2 का very good और sin 90 की वैल्यू one F21 equal to क्या होगा I2 into I2 BL into BL और B की वैल्यू क्या होगी B की वैल्यू हाँ? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर ये बी किसकी वजह से है ये आई वन की वजह से है ना यस सर तो इस बी की वैल्यू क्या होगी बोलो म्यू नॉट आई टू पाई ए वेरी गुड शानदार तो आई टू इंटू म्यू नॉट इंटू आई कौन सा आई वन या आई टू बोलो मैग्नेटिक फील्ड आई वन की वजह से लग रहा है आई टू कंडक्टर ओके सर हाँ तो आई वन लेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना हम लोग नॉट आई वन टू पाई ए मतलब टू एल यस सर ठीक है ओके सर ओके हाँ अब F21
टू वन अपॉन एल इक्वल टू क्या ले सकते हैं, मी नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू अपॉन टू पाई ए लिख सकते हैं। तो फोर्स अच्छी, देखो क्या है कि दोनों के दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, वायर वन भी वायर टू भी दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, है ना। हाँ जी सर। तो हम फोर्स निकालेंगे तो फील नहीं आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहिए हमको, कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो उसके एक यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा। दिस इज फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर टू पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर टू पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सोचो, मैं बस एक मिनट में आया।
Yes, it is. Am I audible now? मेरी आवाज आ रही बच्चे? It is. Yes, sir. Okay. आ रही है sir. ठीक है ठीक है ठीक है. Sorry for the delay. चलो तो फोर्स का डायरेक्शन आपने चेक किया, डायरेक्शन बताओ फोर्स का जल्दी बोलो. Yes, sir. Sir, perpendicular होगी left side में. लेफ्ट साइड में होगी, बहुत बढ़िया. तो कौन सा लॉ लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल, है ना, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड राइट हैंड पाम रूल, हाँ फील्ड अंदर की तरफ, फिर एक पल का जीना, और हाँ एक पल का जीना, और फिर क्या है जाना, तोहफा ये लेते जाइए दिल को बताना. तो ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन टू यू टू वन, है ना. वेरी गुड. चलो अब बात करते हैं हम लोग फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. देखो वापिस से मैं कंडक्टर्स को बनाता हूं. ये पे एक कंडक्टर ये था आपका, दूसरा कंडक्टर ये था आपका, ठीक है. और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपका ये आई वन था, और ये करंट का डायरेक्शन आपका I2 था, है ना बेटा? Yes, sir. और उसके बाद फिर I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था I2 के अराउंड, वो था इनवर्ड, है ना? Yes, yes, sir. हाँ, this is B1, ठीक. और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा I1 के अराउंड, वो आउटवर्ड होगा ना बेटा. देखो तू ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऊपर की तरफ, करंट थंब ऊपर की तरफ. Sir, तो I2 की वजह से Yes, sir. Outwards. I2 में करंट ऊपर की तरफ होगा, तो yes, I2 में I2 I2 की वजह से फील्ड इधर होगा इनवर्ड, इधर होगा आउटवर्ड. आउटवर्ड. तो इस लेफ्ट साइड में, I2 के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे आउटवर्ड ही होगा. Yes. समझ गया ना बेटा? हाँ जी. Yes, sir. Very good. Very good. ओके तो करंट हो गया I2 में, I2 अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया I2 I1 के अबाउट, ठीक है. ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, ठीक है. ओके अब बताओ इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसमें बोलो फोर्स का डायरेक्शन I1 पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस पे फील्ड बाहर ही है, ऐसे इस पे भी सर वैसे ऑपोजिट साइड में होगी सर. फील्ड बाहर, परपेंडिकुलर फील्ड बाहर, करंट, फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो एक पल का जीना, फिर क्या है जाना. तो फील्ड तुम्हारा बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स हो गया किधर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड सर. वेरी गुड. दिस इज F12. सर ये एक दूसरे पे मतलब फोर्स लगा रहे हैं सर. एग्जैक्टली, दे एग्जैक्टली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ना. अच्छा अट्रैक्ट. यस सर. हां यस सर. इस पे लगा, इस पे सिंपल. तो F12 लग रहा है 2 के ऊपर, F12 लग रहा है 1 के ऊपर, तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना ये. F12 हाँ जी, जो है बेटा ये है फोर्स ऑन वन, इसको इस तरफ खींच रहे हो तो उसको इस तरफ खींच रहे हो. फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसकी भी वैल्यू सेम होगी F12 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4, सॉरी नॉट 4 पाई, इट्स 2 पाई a l, यानी कि F12, और मैं लिखता हूं आल्सो, तो F12 अपॉन l इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I1 I2 I2 अपॉन 2 पाई a. In a force experienced by conductor one per unit length. Force on one per unit length. Force on one per unit length. ठीक है, एक बात समझ. एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया तुमको. एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. Let us suppose we have two conductors carrying currents I1 and I2, and if they are 1 meters apart, right? Yes, sir. Okay.
एंड इफ आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक, एंड दोनों का सेपरेशन अगर डी है और डी 1 मीटर है, तो यू नीड टू फाइंड फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे आप 1 2 निकालो 2 1 निकालो, एक ही बात है, एक ही तो वैल्यू आता है, देखो ना मैग्नीट्यूड देखिए ना दोनों का, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों का डायरेक्शन खाली अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड निकालना खाली आपको, जल्दी से निकालो फटाफट, कम ऑन, इट जस्ट I1 I2 एक ही तो 2I ले ले इसको 2pi into 2I जिस पर I है 1 mp 2 mu 2pi mu not upon pi mu not upon pi yes yes sir pi or 2 pi sir 2 वैसे तो 2 pi फिर 2 से 2 ऊपर कैंसिल कर देते, देखो f12 कहो या f21 को एक ही बात है, दैट इक्वल टू मीन, अच्छा f12 अपॉन l कहो या f21 अपॉन l कहो, दैट इक्वल टू mu not into i1 into i2 अपॉन 2 pi a, तो 4 pi into 10 to the power minus 7 mu not की वैल्यू, i1 1 एम्पियर i2 भी 1 एम्पियर अपॉन 2 pi into a की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर यस सर, तो कितना है 2 into 10 to the power minus 7, ये है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, हां वैल्यू रख दे तो यही है, यस सर इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर्स, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ठीक है, ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी है, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को 1 मीटर सेपरेशन पे रख दे और दोनों पे फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर हो, तो इन दैट केस करंट दोनों कंडक्टर्स में करंट 1 एम्पियर की होगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था याद है आपको, याद है सर, वेरी गुड, डाइपोल बोलो, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सर p इक्वल टू q इनटू 2l, बहुत बढ़िया शानदार, अब बढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ओके सर, ऐसा मैग्नेट होता है आपका, कौन सा मैग्नेट है ये, कौन सा मैग्नेट है ये, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट है, जिससे यहां से लेंथ आपका मैंने एल मान लिया, ये एल, ठीक, यस सर, तो जिस तरीके से आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिस्क्राइब हुआ था, डिफाइन हुआ था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल भी डिफाइन होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि एक दो पोल्स होंगे, एक पोल पॉजिटिव एक पोल नेगेटिव, नेगेटिव, यस सर, मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, दो पोल्स होते हैं, एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ, ऑपोजिट चार्जेस, दो पोल्स होते हैं, ऑपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, साउथ, तो मैग्नेट तो ऑलरेडी डाइपोल होता है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डाइपोल होता है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है जैसे वहां q into 2l, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m into 2l, ये m क्या होता है सर, मैंने पढ़ाया था आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो m होता है, ये m इज द पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मैग्नेट के जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, इसकी इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, इसको कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पे m क्या है, स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, m इज द पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक,
कई बार ऐसे किताब में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखा रहता है, एक ही बात है, तो पोल स्ट्रेंथ बोलो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, ड्यूअल सेपरेशन, ओके सर। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो होता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है ना बेटा, यस सर, क्यू अकेला प्लस सिंपल है ना, बट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है कभी? नो सर, मैग्नेटिक मोनोपोल, नो सर, मोनोपोल नॉट पॉसिबल। नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर में डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिस्क्राइब होगा समझो। लेट अस सपोज ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, इसमें करंट का डायरेक्शन लेट अस सपोज इस डायरेक्शन से, ठीक। करंट का डायरेक्शन, ओके सर। तो अगर करंट का डायरेक्शन आपका ऐसा होगा, यानी कि अगर आप यहां से देखो, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा करंट का डायरेक्शन, दिखेगा आपको क्लॉकवाइज, देख सोच के देखो, क्लॉकवाइज दिखेगा। यस सर। जब अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे या ऊपर? अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज अपने करने फिंगर्स को को क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे सर। यस नीचे आएगा, तो सर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। यस सर। है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, सेंटर के ऊपर, जब हम राइट हैंड थंब रूल को रिवर्स ऑर्डर में यूज कर लो, राइट हैंड थंब रूल को रिवर्स ऑर्डर में यूज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक, समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर मान लो ये क्लॉकवाइज है, आपको पता है क्लॉक फेस रूल पढ़ा है कभी? क्लॉक फेस रूल पास टेंस में पढ़ा होगा, क्लॉक फेस, कैसे तुम कहां पढ़ी हो, किसी गांव में पढ़ी हो क्या? क्लॉक फेस रूल क्लास टेंथ में नहीं पढ़ाया गया तुमको सर? नो सर, कैसे बच्चे हो तुम लोग? चलो देखो, क्लॉक फेस रूल का मतलब ये है कि अगर करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज हो, ठीक, तो जो मैग्नेटिक पोल आपको सामने दिखेगा वो साउथ पोल होगा। कौन सा पोल होगा बेटा? साउथ पोल। ये तो सच्ची नहीं पढ़ाया सर। कौन से स्कूल में पढ़ी हो, लेह में पढ़ी हो या कहां, दिल्ली में पढ़ी हो? सर डीएवी फरीदाबाद, चंडीगढ़। अच्छा चंडीगढ़ पढ़ी हो, अच्छा ओके, मतलब हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं? यस सर, बहुत बहुत। हम लोग तो अपने बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं, यू वोंट बिलीव कि हम लोग दसवीं वाले बच्चे को अर्थ मैग्नेटिज्म तक पढ़ा चुके होते हैं। इत्तेफाक से अभी क्लास टेंथ में भी हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही चल रहा है, और मैंने उनको पढ़ाया है, आज का टॉपिक बताता हूँ तुमको, आज मैंने उनको पढ़ाया है बायो सेवर्ट लॉ ड्यू टू इनफाइनाइट करंट, फाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अब सोचो, बायो सेवर्ट तो से हाँ हम पढ़ाते हैं, हम लोग उन बच्चों को वहां तक पढ़ा देते हैं जहां तक वो समझ सकते हैं, और वैसे भी उस बैच में मेरे जो बच्चे हैं वो काफी शार्प बच्चे, बहुत शार्प बच्चे हैं, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने बायो सावर्ट लॉ उनको एक बार जैसे तुमको पढ़ाया ना वैसे उनको एक बार पढ़ाया और वो सब समझ गए और वो क्वेश्चंस भी करने लगे हैं। समझ गए? खाली बस ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पे डीएल जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट है, ये मैंने नहीं बोला कि डीएल इज डेरिवेटिव, ऐसा कुछ नहीं समझाया, क्योंकि वो डेरिवेटिव नहीं जानते ना बच्चे हैं, तो मैंने खाली बस इतना बोल दिया कि डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट, वो समझ गए और उन्होंने क्वेश्चंस भी किए। तो हम लोग तो बहुत आगे पढ़ाते हैं, लास्ट ईयर हमारे जो रिजल्ट्स थे बहुत बढ़िया थे, 99 वाले और 100 वाले कितने बच्चे थे, करीब करीब 20 21 25 बच्चे होंगे जिनके साइंस में 99 और 100 आए थे। ये मेरा दो बार सिलेबस खत्म हो गया, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं ये 12th का सर।
हाँ 12th का भी, 12th का नहीं, 12th का दूसरा है, 10th का तीसरी बार है, 12th 12th का दूसरा है मेरा। चलो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, और डायरेक्शन ऑफ करंट तुम लोगों को पता नहीं क्या नहीं पढ़ाया गया बच्चों को, मुझे समझ नहीं आता। और जो बच्चे मेरे साथ 10th से 12th में रह जाते हैं ना, उनको तो मैं एकदम मास्टर बना देता हूँ। फिर तो हाँ सर, आई कैन इमेजिन। अब सोचो वो 12th में जब बच्चा आएगा, जब ये दोबारा पढ़ेगा तो उसको तो लगेगा रिवीजन चल रहा है बस। रिवीजन, यस सर। हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इन दैट केस मैग्नेटिक पोल जो हम लेते हैं या जो हम बोलते हैं वो नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक, एकदम बेसिक सी बात थी कि करंट का ओके डायरेक्शन अगर सर, साउथ क्लॉकवाइज होगा तो जो पोल आपके सामने है वो साउथ होगा, ऑपोजिट वाला नॉर्थ। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो पोल आपके सामने है वो नॉर्थ, ऑपोजिट वाला साउथ। नो, ठीक, ओके आप सर, कहाँ से देख रहे हो बेटा, क्लॉकवाइज देख रहे हैं सर। यहाँ से देख रहे हो करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज करंट से सर, क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल कौन सा होगा, उसी के ये साथ है, यस सर, नॉर्थ पोल इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट वाला। यस सर। बस सिंपल, क्लॉक फेस रूल एक ऐसा रूल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी बताता है। वी से दैट कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट, एंड इफ इट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट सो व्हाट वुड बी द पोलैरिटीज, उनके पोल्स कैसे बताएंगे, साउथ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा। तो क्लॉक फेस रूल हमें पोल बताता है कि करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा तो सामने वाला पोल साउथ, ऑपोजिट वाला नॉर्थ। करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सामने वाला पोल साउथ, ऑपोजिट वाला नॉर्थ। तो तुम बोलोगे सर ये कैसे, ये तो बेवकूफ बना रहा हमको। यू कैन फील, कैसे रियलिटी में फील करो। देखो बेटा सोचो, तुम समझो सर, बात, देखो फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ठीक, यस सर, तो लूप के अंदर फील्ड लाइन कुछ यूं जा रही है ना, लूप के अंदर फील्ड लाइन कुछ यूं जा रही है ना, लूप के अंदर है ना। सर, तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेट के अंदर, सर, ये आपका मैग्नेट ऐसे हाथ है, दिखाओ सर, ये आपका मैग्नेट हाथ दिखाओ, ऐसे ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये मैग्नेट ऐसे के एक बाहर, सर्किट लगाना मैग्नेट मैग्नेट पड़ेगा। के बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, और यस सर, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू नॉर्थ, ये तो पढ़ा था 10th में, यस आउटसाइड द सर, मैग्नेट फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ। तो यहां देखो बिकॉज यस इनसाइड द लूप फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, ऊपर से नीचे की तरफ। साउथ टू नॉर्थ, तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ है फील्ड लाइन इनसाइड द लूप तो डेफिनेटली ऊपर साउथ होना चाहिए, नीचे नॉर्थ होना चाहिए। साउथ होने चाहिए, साउथ से नॉर्थ। आई बात समझ में, क्लॉक यस फेस सर, रूल हमें बेवकूफ नहीं बना रहा यस है ना। सर, नो सर, हाँ ओके है ना, हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, हम एकदम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, है ना। यस सर, वेरी गुड, आगे देखो। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू आई इनटू ए। ए क्या है यहां पे, एरिया वेक्टर। ठीक, यहाँ पे ए क्या है, यस एरिया सर, वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और आई क्या है उसमें, करंट। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिस तरीके से याद करो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल तुमको पढ़ाया था, उसका डायरेक्शन था सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव सर, हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा हमेशा डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, बात समझ गया, यस सर, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेगेटिव पोल चार्ज था
वो साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा था और पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ के जैसा बिहेव कर रहा था, समझ गए? ठीक है सर, हाँ सही, हाँ, तो अब से क्या याद रखना है, अब से क्या याद रखना है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो साउथ के साउथ जैसा बिहेव पोल करता है, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ के जैसा नॉर्थ बिहेव की करता जैसा। है। याद करो मैंने तुमको पढ़ाया था यस कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से मालूम पड़ता है, पॉजिटिव हाँ चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यस होगा, सर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ही तो आपका टेस्ट चार्ज था। डिस्चार्ज था। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी द टूल जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे। किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर गए, यानी कि एक टेस्ट उधर रख चार्ज को देते लेकर थे ये गए, सर, उस टेस्ट चार्ज पे अगर फोर्स रिपेलिंग यानी कि ऑपोजिट। फोर्स अवे लगा, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज था सामने वाला, अगर फोर्स टुवर्ड्स लगा मतलब वो सामने वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, था, याद है? ये सर याद है, वही काम यहाँ पे नॉर्थ पोल करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ट चार्ज की तरह। डायरेक्शन बतानी है तो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को देखते हैं, हाँ नॉर्थ पोल जो जो नॉर्थ पोल इधर मूव करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैग्नेटिक मोमेंट का नेगेटिव टू डायरेक्शन पॉजिटिव, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, सिमिलरिटी दिख रहा है ना? यस ठीक है, जैसे मान लो ये आपका वही वही सेम से इलेक्ट्रिक डायपोल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, करंट आपका डायरेक्शन इधर है, सर, ऐसे ही होगा ना? यस सर, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बोलो, मोमेंट डायपोल मोमेंट की हमने तरह। जो इनसाइड देखा वो हाँ क्या देखा, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो क्या साउथ टू नॉर्थ साउथ है, टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, इसका भी मैग्नेटिक साउथ टू डायपोल मोमेंट का नॉर्थ। डायरेक्शन बताओ, साउथ टू नॉर्थ, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ, सिंपल। यस सर, मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ लूप इस तरीके का है और करंट का फ्लो कुछ यूं है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तुम यहां से देख रही हो, सर, अब बोलो यहां से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा सर तो मुझे, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा? सामने वाला साउथ तो होगा, ये सर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दूसरा बोलो, साउथ टू नॉर्थ, जैसे मेरे तरफ से उस तरफ साउथ टू नॉर्थ। ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का यस डायरेक्शन, बहुत सर, बढ़िया। यस सर, समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ यस सर, जैसे ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसे है, अब बोलो मैग्नेटिक मोमेंट का ओके डायरेक्शन, जल्दी सर, बोलो फटाफट, इतना सोचोगे जेस? मैं कहाँ से, किस साइड से देखूँ सर, अपने साइड से देखूँ ना, तुम यहां से देखो ना, कोई ऊपर से देखो, नीचे से क्या देखोगे फालतू को, उल्टे साइड से मत देखो, ऊपर से ऊपर से देखो। देखोगे तो। हाँ तो ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ होगा सर, बहुत बढ़िया, गुड। डायरेक्शन बोलो मैग्नेटिक मोमेंट का, ऐसे एक्सिस से निकलेगा सर, नीचे से ऊपर। डायरेक्शन नीचे से ऊपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सिंपल है, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकालो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। देखो ठीक सिंपल है, है, करंट को यहाँ से ऊपर से देखा तो हमें दिखा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो एंटी यस सर, क्लॉकवाइज अपने फिंगर्स फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब किधर आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर ही आएगा, ऊपर सिंपल एंटी है ना। क्लॉकवाइज ऊपर, यस तो सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, क्या करो, यूज राइट हैंड थंब थंब रूल इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। सर, एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि कि हम थंब करंट करंट के की तरफ डायरेक्शन में होगा, थंब को डालते हैं और फिर हाँ, मैग्नेटिक कर्लिंग ऑफ फील्ड लगा फिंगर्स देते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में होता है। यस सर, हाँ, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या करेंगे कि थंब मतलब फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होगा वो वो फील्ड के पहले डायरेक्शन, वो करेंगे, करंट के डायरेक्शन होगा,
कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, रिवर्स ऑर्डर होगा ये, एंड जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ओके सर, डायरेक्शन ऑफ एम। आई बात समझ? यस सर, क्लियर है? ओके सर, यस सर। क्वेश्चंस क्वेश्चंस कर सकती हो? डायरेक्शन निकालने का सर, यस सर, इतना सिंपल, खाली डायरेक्शन। यस, अभी देता हूँ क्वेश्चन, देखो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे सिंपल तो मैं मिलेगा नहीं, मुझे शर्म आ रही क्वेश्चन करवाते हुए। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है मान लो 2 मीटर और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जब आप अपवर्ड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का वैल्यू है मान लो 1 एम्पियर। ठीक बच्चे, फाइंड वेक्टर है, जल्दी बोलो फटाफट, इतना दूर क्यों लिखा मैंने क्वेश्चन को, यहाँ लिखता जल्दी, एडजस्ट, कम ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, अच्छा I into A, अभी ना पकड़ा तुमने, नहीं पकड़े तो फिर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता फिर। नहीं नहीं सर, I into A याद है, I है हमारा 1 एम्पीयर और एरिया है हमारा 2 पाई r, और r है हमारा 4 2 r है हमारा रेडियस 2, तो हो गया ये 4 पाई। कितना आंसर आया? 4 पाई। हैं? नहीं, 4 पाई? इसका एरिया तो इसका 2। यस, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर है ना सर इसका? अच्छा, 2 पाई आर, पाई आर, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी। 4 पाई की वैल्यू ऐसे रखूंगी ए। हाँ तो एक काम करो, अभी एरिया वेक्टर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, आया हमारा 1 into pi r square, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा? आर था हमारा 2 सर, 4 पाई, 4 पाई, इत्तेफाक से तुम्हारा आई 1 है से वैसे 4 पाई आ गया। ठीक है, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो जल्दी से, डायरेक्शन ये एंटीक्लॉक ऊपर सर, अपवर्ड्स, वेरी गुड, डायरेक्शन जाएगा अपवर्ड, यानी कि कौन से डायरेक्शन में? जे कैप, यानी कि जे, हाँ वही डायरेक्शन में, यस सर, जे कैप वाई के डायरेक्शन में है ना? यस सर, वेरी गुड। और क्वेश्चन दे दें, यस सर, और क्वेश्चन दे दूं? जल्दी कर बेटा, अच्छा एम्पियर इक्वल टू 3 एम्पियर, इनटू ए I dot I into A, और I है 3 एम्पीयर, तो ये 7 4 8
डायरेक्शन है इसका ऐसे ऐसे था क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो नीचे 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 सेट डायरेक्शन में नहीं वाई के डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन इस पर वाई में माइनस जे से 12 माइनस जे माइनस 12 जे के माइनस 12 जे कैप आर यू श्योर यस सर चले एक मिनट तो माइनस 12 तुम्हारा आया तो एम वेक्टर इज एम आई इंटू ए आई कितना है 3 एम्पियर है और इंटू एरिया कितना है बेटा स्क्वायर है ना 2 इंटू साइड इंटू साइड ठीक है स्क्वायर 2 मीटर है 2 का स्क्वायर सॉरी साइड इंटू साइड नहीं होगा हाँ यस सर 2 इंटू 2 यस सर 2 2 3 इंटू 4 यानी कि 12 यस सर डायरेक्शन डायरेक्शन माइनस जे कैप डायरेक्शन बोलो माइनस जे कैप सर माइनस जे कैप ओके आर यू श्योर यस सर सही क्लॉकवाइज है ना आर यू श्योर माइनस जे कैप है यस सर फिंगर्स को कॉल करनी है कैसे ऐसे करंट डायरेक्शन ये है ना डाउनवर्ड्स यस सर तो हाँ तो अब बताओ थंब किधर आएगा डाउनवर्ड सर बैठ सर ये क्लॉकवाइज नहीं है ये क्लॉकवाइज तो फिंगर्स को तुम कर्ल करोगी इस डायरेक्शन में अपने तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे ये क्लॉकवाइज है मोबाइल स्क्रीन पे तो उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगी तो थंब अंदर आएगा ना हाँ सर वैसे तो अंदर आएगा कैसा वीडियो खोलो यस सर यस सर अब फिंगर्स को कर्ल करो फिंगर्स को कॉइल करना है किधर मोबाइल स्क्रीन पे क्लॉकवाइज समझ लो कि तुम्हारे घड़ी जो तुम्हारे सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है तो फिंगर्स को कॉइल करो मोबाइल स्क्रीन पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी नहीं अभी कैसे ऐसे कैसे मोबाइल स्क्रीन पे क्लॉकवाइज ऐसा होगा क्लॉकवाइज हाँ ऐसे ऐसे हाँ तो करो वैसा कर ऐसे फिर नीचे क्यों आएगा ऐसे नहीं करना होता ऐसे कर्लिंग डायरेक्शन ऐसे 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 मतलब अपने अपने हाथ को उठाओ पे ऐसे हथेली रखो ऊपर एग्जैक्टली सामने तथा अस्तु लाइक दिस हाँ अब हाथ को घुमाओ किधर अपने दाहिने साइड में राइट हैंड साइड में घुमाओ फेस को पाम का फेस को राइट हैंड साइड करो राइट हैंड साइड पाम के फेस को राइट एग्जैक्टली अब कर्ल करो ये दिस इज द वे टू कर्ल हाँ ऐसे नहीं घुमा देंगे हाँ दिस इज द वे टू कर्ल राइट हैंड साइड में अपने पाम को लेकर जाएंगे पाम के फेस को राइट हैंड साइड में ओपन करेंगे और फिंगर आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज फिंगर को कॉल करेंगे तो फोर्स यानी कि फील्ड किधर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा इनवर्ड इनवर्ड आएगा इनवर्ड का कौन सा डायरेक्शन है माइनस के वेरी गुड माइनस के तो 12 माइनस के छोटी छोटी बातें मिस नहीं करनी है गलत कर दिया ना तुमने यस सर एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड लेवल का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको देखो This is the question.
ओके लेट अस सपोज मैं यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे भी। अगर सपोज तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो कि बस हो गया तुम्हारा काम। ये क्वेश्चन तुमने अगर सही कर लिया एडजस्ट तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, करंट का डायरेक्शन कुछ यूं है, ये 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 ये, ठीक, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड करंट मान लो, कुछ भी आई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये साइड फिर ए, ये साइड फिर ए, ये साइड बी, ये साइड ए, करंट आई साइड, सब में करंट आई फ्लो कर रहा है। टू फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट, need to find net magnetic moment, jaldi se nikalo beta fatafat, do loop hai na isme, I ko do loop hai na isme, I ko I hi rakhun sir, ha koi dikkat nahi hai, nahi दो है, दो एरिया टू ए टू एल इंटू बी टू एल इंटू बी, आई इंटू टू एल इंटू बी इंटू टू क्वेश ऐसे देखा ये मान लो लूप वन है, ये लूप तुम टाइम दो या तुम मैं करूं सर, दोनों को अलग अलग निकालने, हाँ बेटा दो अलग लूप है ना, वैसे तो सर तभी तो मैंने नेट लिखा है, नेट पहले दोनों का निकालो फिर नेट निकालो, ऐड कर दो इसका तो फर्स्ट का कितना आया बोलो, लूप लूप वन जो मैंने बनाया उसका कितना आया, आई इनटू ए बी, ओके डायरेक्शन बोलो, आई इनटू ए बी डायरेक्शन इसका वो बाहर होगा सर, आउटवर्ड्स होगा, ये फिजिक्स की भाषा है, जब मैं आई जे के कैप मेंशन कर रहा हूँ खुद ही, तो आप आई जे के कैप के फॉर्म में बोलोगे ना, हाँ कि उधर बोलोगी, किधर हो डायरेक्शन, किधर होगा सर, उधर होगा, उधर किधर, ये जल्दी बोलो, एम वन इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू ए, करंट कितना आई इंटू ए कितना ए बी, इसमें कोई शक नहीं है, नो सर, तो आई ए बी और करंट फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट वाले लूप में करंट क्लॉकवाइज है, यानी कि इस बार स्क्रीन पे तो एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रीन पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अपने सामने आउटवर्ड, अपने सामने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है, तो तुम्हारा जो थंब आएगा तुम्हारी तरफ आएगा आउटवर्ड, और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है, के के के, यही तो पूछ रहा था कब से, हाँ सर मैंने के लिखा था, मुझे लग रहा था माइनस के, बोलना चाहिए ना तुमको, नहीं नहीं सर, हाँ सर के होगा इनवर्ड माइनस के होगा, हाँ यस M2 बोलो, M2 बोलो, I into A,
आई इन टू ए बी आई ए बी होगा, डायरेक्शन बोलो इस बार इसका है क्लॉकवाइज तो एक वैसे ही होगा इसको इसको क्लॉकवाइज का तो ये इन तो माइनस जे क्या इट होगी फिर तुम तुम्हारे टेबल तुम किस टेबल पे बैठ के पढ़ रही हो ना हाँ यस सर तो हाँ तो तुम्हारे टेबल पे एक सर्कल तुम्हारे टेबल पे एक मान लो गोल्ड सर्कल बना है और जिसमें करंट का डायरेक्शन कुछ यू है लाइक दिस टेबल पे बना तुम्हारे टेबल पे इस डायरेक्शन में तुम्हें फिंगर्स को कर्ल करना है अंगूठा किधर आया थंब किधर आया बोलो अपने मोबाइल मोबाइल फोन को मोबाइल मोबाइल से पढ़ रही हो ना यस सर उसको टेबल पे रखो यस सर रख दिया ओके या हाँ अब जो मैंने सर्कल बनाया है उसी सर्कल में अपने फिंगर्स को कर्ल करो यस सर बोलो थंब किधर आया थंब राइट साइड आई आई कैप वीडियो खोलो यस सर खोल लिया यस सर कुछ भी विजिबल नहीं है ऐसा ना हाँ अभी दिख रहा तुम अभी तुम दिख रहे हो ठीक है अब देखो तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन फोन नीचे है मान लो या कॉपी जो भी है तुम्हारा नीचे है ना ठीक है तो अब तुम्हारा जो स्क्रीन नीचे है उस पे करंट का डायरेक्शन देखो किधर है एंटी क्लॉकवाइज है नहीं है बोलो बोलो एंटी क्लॉकवाइज है नहीं है बोलो ठीक है अब इसको ऐसे एंटी स्क्रीन नीचे है तो तुम्हारा थंब नीचे होना चाहिए मतलब तुम्हारे हथेली का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट है वो नीचे होना चाहिए वर्टिकल पार्ट नीचे होना चाहिए वर्टिकल पार्ट ऐसे कर्ल करूं ऐसे ऐसे नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं नीचे नीचे की तरफ इसको नीचे रखो अपने ऐसा रखो कि अंगूठा ऊपर हो हाँ दिस इज द वे देखो अपने स्क्रीन पे देखो अब तुम नीचे देखो अब नीचे देखो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है क्या तुम्हारा फिंगर भी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रहा है यस सर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज सर एंटी क्लॉकवाइज थंब किधर है अपवर्ड अपवर्ड है दिस इज द थिंग सब इसका तो फिर क्लॉकवाइज नहीं है सर नीचे वाले का नीचे वाले का क्लॉकवाइज क्यों है तो ये समझ लो कि जो ऊपर में आई जे के कैप का जो प्लेन है समझो मेरी बात को समझो फिजिक्स ना यस सर बहुत मुश्किल है इसको स्क्रीन पे पढ़ाना ये जो आई जे है ना ये yes, समझ लो कि आपका सामने जो वॉल है ये वॉल है आई जे ठीक ओके सर मैं तुमको अलग स्क्रीन में दिखाता हूँ यहाँ देखो तुम्हें बना के दिखाता हूँ ये देखो बेटा यहाँ पे yes, ठीक ये कॉर्नर है आपके कमरे का ठीक और इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे या फिर मान लो ये कॉर्नर है चलो ये मान लो ये वाला कॉर्नर है ये ज्यादा कन्वीनियंट टू समझ में आना है ये देखो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है ठीक और ये मान लो आपका वाई एक्सिस है तो आपके रूम में ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक तो आपका जो फ्रंट वॉल है वो ये एक्स दिखा रहा है और ये वाई दिखा रहा है ठीक और उसके बाद फिर जो थर्ड जो आपका एक्सेस है वो ये है जेड जो आपके कमरे से बाहर की तरफ निकल रहा है एक लाइन या फिर अंदर की तरफ जा रहा है एक लाइन ये थर्ड लाइन है
जिसको जेड एक्सिस हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपके ये जो पहला पहला जो लूप था वो आपके वॉल पे बना हुआ था और जिसमें करंट का डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक। दूसरा जो लूप है, दूसरा जो लूप है वो आपके फ्लोर पे, एग्जैक्टली वो आपके फ्लोर पे है, और फ्लोर यानी कि आपके टेबल पे है, टेबल यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। आप समझ गए? अब उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, तुम फ्लोर पे देखो, ऐसे करंट की डायरेक्शन को फ्लोर पे देखो, नीचे की तरफ देखो, और जो सामने दिख रहा तुमको ये वाला लूप वन जो दिख रहा तुमको, ये लूप वन, ये लूप अपने वॉल पे देखो, ये लूप आपके वॉल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये लूप आपके वॉल पे है, और ये नीचे वाला लूप आपके कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे, यानी कि समझ लो कि फ्लोर पे है, आपके फ्लोर पे है, तो फ्लोर पे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यू, लाइक यू, लाइक यू, तो थंब ऊपर, थंब ऊपर, आई बात समझ? यस सर। हाँ, तो तुमको ये क्लॉकवाइज लग रहा है? नो सर। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा। तो मैंने क्या बोल दिया था? अच्छा, ये सर, आपने इसको क्लॉकवाइज बोला था, है ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो अच्छा, अब बोलो एम का डायरेक्शन, बोलो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, बोलो। अब होगा, अब आई जे कैप, जी कैप। अब ना सही हुआ, अब हुआ जी कैप। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगी आप, एम नेट, ये होगा एम वन और प्लस एम टू, ठीक। एम वन क्या बेटा? आई ए बी के कैप, और एम टू क्या है? आई ए बी जे कैप, आई ए बी कॉमन ले लो, के कैप प्लस जे कैप, आंसर आंसर आई बात समझ या नहीं आई? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? रूट अंडर रूट आई, आई ए बी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर, एक बार के साथ, एक बार जी के साथ, ठीक है। तो टू आई ए बी का होल स्क्वायर, ये तो होगा आई ए बी का होल स्क्वायर, आई ए बी का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ रूट अंदर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एम नेट इज इक्वल टू रूट टू आई ए बी, रूट टू आई ए बी, नहीं आना समझ? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। अच्छा, वो था सर। क्या कहते? अब सोचो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता तो तुम कर पाती? सर कंफ्यूज जाती ना, इसी चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपने जो बुक मंगाई है सीबीएसई एमटीजी वाली, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो? आपने जो बुक मंगाई है वो प्रैक्टिस कर रहे हो? एसएल अरोरा वाली जो बुक मैंने भेजी उससे प्रैक्टिस कर रहे हो? सर एसएल अरोरा से अभी नहीं किया। नहीं कर रहे? तुम पढ़ ही नहीं रहे हो फिर? अभी रिसेंट मूवी कौन सी आई है? रिसेंट मूवी कौन सी आई है? कौन सी आई है पता नहीं सर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, तुमको नहीं पता कौन से? तुम मूवी नहीं देखती हो? तुम मूवी नहीं देखती हो? सर उतना नहीं देखती हूँ। अच्छा, तो टाइम कहाँ वेस्ट होता है फिर? पता नहीं सर। अरे तो तुम, तुम्हारा टाइम कहने के तो वेस्ट होता होगा सर। वो प्रोजेक्ट साइकोलॉजी का वो कर रही थी ना, वो खत्म नहीं हो गया। अरे और सर आज वो था क्या, रिपोर्ट्स फिजिक्स का ही? फिजिक्स का ही? यस सर। अरे कैसा हुआ?
ठीक, जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने किया सर, सारा सारा क्वेश्चन किया देना मेरे सर। को, क्वेश्चन भेजना सर मेरे वो को। ना जूम पे शेयर करते हैं सर, और टाइम खत्म होने पे उसे वगैरह हटा देते हैं अच्छा सर। क्वेश्चन मेरे को वो भेजना, पता ना देखो ना था, मैंने क्वेश्चन। सारा डेरिवेशन मैंने प्रैक्टिस किया था, और डेरिवेशन हाँ एक ही आया था सर वो करने को, मतलब बाकी परफॉर्मेंस नहीं आया, सिर्फ कौन से चैप्टर से आया, सिर्फ बट डेरिवेशन ही नहीं ये तो आता था ना, सर कुछ। थ्योरी भी आते हैं, हाँ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हाँ थ्योरी तो किया सर, वही डाइपोल मोमेंट वगैरह पूछा था, फॉर्मूला वेक्टर है मेरे को किसके क्वेश्चन बारे में भेजना, पूछा क्वेश्चन था भेजना सर। मेरे को। वो तो वो पीडीएफ नहीं भेजा ना सर, वो जूम पे स्क्रीन पे शेयर करते हैं सर। तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नहीं सर, वो क्या करते हैं ना सर, 3 फीट दूरी पे रखने देते और यहाँ पे स्टार्ट करने देते, फिर वहां से शेयर करते हैं। स्क्रीनशॉट की मतलब ले नहीं पता है सर पाई। कुछ लेंस में कर, लेंस में पर कुछ आया था, पता नहीं क्या था अच्छा, तो अब तो एग्जाम हो गया, अब तो तुम पीडीएफ सर। मांग मेरे सकते हो ख्याल अपने से टीचर ऑप्टिक्स से से। सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्टिक्स से, ओके। सर चाहिए सर, ऑप्टिक्स हालांकि से होता था ऑप्टिक्स सर, में तो रे ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट से खत्म ही पूछा। हो गया है, सिर्फ वेव ऑप्टिक्स ही तो बचा है। रे ऑप्टिक्स में बचा ही कितना है, कितने बचा है? कुछ सर कुछ टेलीस्कोप का वो बना करके था, और कुछ पता नहीं सर क्या अच्छा था, फोटोन वोटोन अजीब अजीब सर था, इमिशन अच्छा कुछ। अच्छा ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पेपर एवरेज हुआ है, नहीं बिलो एवरेज, सॉरी बिलो एवरेज, नहीं सर हाँ, जो ये तो सारा क्या वो मतलब आया था सर, हंड्रेड आउट पोटेंशियल ऑफ निकलने को हंड्रेड, आया था आउट ऑफ हंड्रेड 20-30 मार्क्स आ जाएंगे नहीं? पता नहीं सर, हाँ? सर और पता दिस नहीं इज वेरी किया बैड। मैंने अब जितना। चलो अब तो क्या कर सकते, तुमने बताया भी नहीं था पहले कि मेरा प्री बोर्ड है आज।